जी जी हाँ जी मौलाना सर पूछना था जी, पूछिए भाई पूछिए। हम जो काम करते हैं वो उसमें ना थोड़े दिनों के बाद कोई मुश्किल आ जाती है, शायद इसमें कोई रुकावट डालता है जो कि वजह ऐसी। रुकावट तो जुबैर बेटा कोई नहीं डाल सकता, अल्लाह की तरफ से है जरूर नफा। जी जी हाँ, बाकी आप ये करें, आप भी सुन रहे हैं, सारे लोग सामीन सुन रहे हैं, सूरा कसस जो है ना, सूरा कसस ये नोट करें, और इसमें कसस आप स्वाद स्वाद कसस। अच्छा जी, सूरा कसस में सूरा कसस में आप निकालेंगे ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया होगा। हाँ जी, हाँ जी। कि वो मदियन गए और फिर वो बकरियों को पानी पिलाकर ना साये में आकर बैठ गए। जी, जी, जी। तो वहाँ फिर बेटा एक दुआ है उनकी, जो आप सब लोग जिनके काम अटके हुए हैं या परेशानियां याद कर लें, कि रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। जी, जी। ये टुकड़ा उस आयत का जो है ये आप 113 मरतबा ना दिन रात में जब चाहे। अच्छा, हाँ 20वां पारा होगा, 20वां पारा। और जी इससे पहले दुरूद शरीफ। जी जी। और जब ये 113 मरतबा पढ़ा जाए तो 3 मरतबा फिर सूरत वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा ये भी पढ़नी है, फिर दुरूद शरीफ। ये सब हजरात नोट कर लें इंशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जिन हालात में थे कि पीछे से जान बचाकर भागे थे, यहाँ कोई जानता नहीं था, दुआ की क्या अल्लाह किसी किस्म की मेहरबानी भी तू मुझ पर करे, मैं इस वक्त मोहताज। ऐसी आला दुआ कि 113 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और ये 113 मरतबा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरत वद्दुहा। ये आप नोट कर लें, बिल्कुल ज़बैर देखेंगे इंशाअल्लाह दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है जी। आपका प्रोग्राम बड़ा बकायदगी से देखते हैं हम। अल्लाह ताला अजर दे, हमारे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह तौफीक दे, कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया।